हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एग्जाम प्रिपरेशन में डॉक्टर सत्येंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आपको बता दूं कि आज का वीडियो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है उन सभी लोगों के लिए जो लोग भी टीचिंग या फिर रिसर्च में जाना चाहते हैं या बोल सकते हो कि हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं। दोस्तों, निश्चित तौर पर उन सभी लोगों के लिए आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो दोस्तों, पूरे वीडियो के दौरान बने रहे और हर पॉइंट को ध्यान सुने। सबसे पहले दोस्तों, आपको बता देते हैं कि आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीएचडी एडमिशन के बारे में, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो है ये पीएचडी एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आया हुआ है। और दोस्तों, यहाँ पे यूजी और पीजी के लिए भी जो है फॉर्म आए हुए हैं, बट हम लोग यहाँ पे मेनली जो है पीएचडी के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है, इस वीडियो में जो। तो दोस्तों, आगे हम लोग बात करेंगे कि आखिर जो है कौन सी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स में जो है ये आप फॉर्म पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो और लास्ट डेट वगैरह कब तक है, इस तरह की तमाम जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग सीधे चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ जो है। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वेरियस डिपार्टमेंट की बात की गई है और डिफरेंट कोर्सेज की बात की गई है और इसमें जो है कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है सीट्स की बात जो है यहाँ पे की गई है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे यदि हम लोग बात करें, फर्स्ट नंबर पे सीरियल नंबर करके दिया है, फिर उसके आगे आप देख सकते हो नेम ऑफ डिपार्टमेंट की बात की है, फिर अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों, ये डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं और डिपार्टमेंट हैं और इसमें जो है सीट्स अवेलेबिलिटी की बात की गई है। तो दोस्तों, इसमें डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हो ये साइकोलॉजी फर्स्ट नंबर पर दिया है, उसके बाद जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिर थर्ड नंबर पर जो है सोशल वर्क, फिर फोर्थ नंबर पर पॉलिटिकल साइंस, फिर फिफ्थ नंबर पर हिस्ट्री एंड एथनोग्राफी। तो दोस्तों, इस तरह से जो है डिफरेंट डिफरेंट और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं इसमें जो है, आप देख सकते हो ये लास्ट में यहाँ पे 38 ये जो है सीरियल नंबर जो सब्जेक्ट का है, ठीक है। तो ओवरऑल ये आप इसमें देख सकते हो कि 38 सब्जेक्ट्स हैं और आप इसमें देख लेंगे कि आपका सब्जेक्ट है भी या फिर नहीं है, या है भी तो इसमें कितने सीट्स हैं, ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पे एक लास्ट में दिया हुआ है ए पी वी का मतलब क्या है, इसमें ए पी वी कहीं कहीं जो है ये इसमें शो किया गया है, मतलब एज पर वैकेंसी, ठीक है, इसका मतलब जो है एज पर वैकेंसी। अब दोस्तों, हम लोग आगे जो है और डिटेल बात करते हैं कि आगे जो है किस यूनिवर्सिटी में जो है ये फॉर्म आया हुआ है और बाकी डिटेल जो है हम लोग आगे देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो देख लेते हैं कि आखिर कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो ये मिजोरम यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसा ये एडमिशन नोटिस ये करके दिया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एडमिशन इनटू द फॉलोइंग पीजी ऑब्लिक यूजी ऑब्लिक पीएचडी कोर्सेज ऑफ द यूनिवर्सिटी फॉर द एकेडमिक सेशन 2021-22, ठीक है। तो दोस्तों, ये डिफरेंट जो है ये कोर्सेज के लिए यूजी पीजी और पीएचडी के लिए, मतलब पीजी यूजी और पीएचडी के लिए जो है एकेडमिक सेशन 2021-22 के लिए जो है यहाँ पे एडमिशन नोटिस आया हुआ है। और इसमें आप देख सकते हो ये वेरियस डिपार्टमेंट्स की बात की गई है और इसमें कोर्सेज की बात की गई है, जो कि हम लोग ऑलरेडी आके उसमें बात कर लिए थे कि आखिर जो है कौन कौन से सब्जेक्ट्स इसमें हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अब यहाँ पे देखते हैं कि आखिर जो है आपको कैसे अप्लाई करना है। तो ये ऑनलाइन मोड में आपको जो है फॉर्म अप्लाई करना है और यहाँ पे फ़ी की भी बात की गई है। आप फ़ी देख सकते हो, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि 200 रुपीज़ जो है ये जनरल कोर्सेज़ के लिए और 700 जो है फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज, लेकिन इसमें भी जो है कुछ रिलैक्सेशन है उनके केस में, जैसे 350 रुपीज़ जो हैं लगने हैं एससी या एसटी कैंडिडेट्स के केस में, ठीक है। और ये भी जो है ऑनलाइन मोड में आपको जो है पेमेंट करना है। और दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि दिया है, लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ 20 जुलाई 2021 5 PM, ठीक है, मतलब 20 जुलाई 2021 की शाम 5 बजे तक जो है ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है यहाँ पे फिलअप किया जा सकता है। और आगे फिर बात यही है, इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस विल बी रिजेक्टेड, ठीक है, यदि आपका इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म रहता है तो रिजेक्ट हो जाएगा। और बाकी जो है फुल डिटेल को देखने के लिए आप यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वहाँ से जाकर के आप देख सकते हो। दोस्तों, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट एक बार आपको बता देते हैं, www.mzu.edu.in, ठीक है, फिर से एक बार वेबसाइट बताते हैं, www.mzu.edu.in, ओके। तो दोस्तों, इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जो है आप जाकर के और बाकी और भी डिटेल्स जो आपको जानना है वहाँ से आप जान सकते हो। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन को आप ज़रूर से जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर के इसे डाउनलोड कर लें, पढ़ लें, समझ लें, सेटिस्फाई हो लें। और यदि आपको लगता है कि इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई करें, अदरवाइज ना करें, ठीक है। दोस्तों, ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है केवल जो है। दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो ये नोट करके दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें बात दी गई है, जैसे फर्स्ट नंबर पर जो दिया है, स्टूडेंट्स अवेटिंग फाइनल रिजल्ट्स ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में ऑल्सो अप्लाई, ठीक है,
मतलब वो लोग जो फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, मतलब फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, मतलब क्वालिफाइंग एग्जाम के, ठीक है, तो वो लोग भी मतलब अप्लाई कर सकते हैं। दीज स्टूडेंट्स मस्ट सबमिट मार्कशीट अप टू लास्ट सेमेस्टर बाई कन्वर्टिंग इट इंटू वन फाइल इन PDF फॉर्मेट, ठीक है। मतलब जो मतलब इसके पहले सेमेस्टर के, इसके मतलब पिछले सेमेस्टर तक के जो आपके पास रिजल्ट्स हैं, उनको उनके मार्कशीट को मतलब उस उन मार्क्स सारे मार्कशीट की जो है एक PDF फाइल बना करके और आपको जो है उसे सबमिट करना होगा, जैसा कि इसमें दिया है। आप भी इसको एक बार अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे दिया हार्ड कॉपीज़ ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स नीड नॉट बी सबमिटेड, और जो एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी होगी वो सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है, हार्ड कॉपी में नहीं सबमिट करना है, ठीक है। और जो थर्ड नंबर पे बात की गई सेंट्रलाइज्ड एंट्रेंस टेस्ट विल बी कंडक्टेड द डेट फॉर विच विल बी नोटिफाइड लेटर, ठीक है। मतलब एक सेंट्रलाइज्ड मतलब एंट्रेंस टेस्ट होगा जो है कंडक्ट कराया जाएगा और उसकी डेट जो है नोटिफाई की जाएगी। तो दोस्तों उसके लिए जो है आप मतलब यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से जो है आप अपडेट रहें, उसको देखते रहें, जिससे कि आप सारी इंफॉर्मेशन जो है इससे रिलेटेड आप पाते रहेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। यदि आपको आज का वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे रेड कलर सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर यदि आप क्लिक कर देते हो तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। साथ ही जो है यदि आप बेल आइकन पर प्रेस कर देते हो तो उसका फायदा आपको ये होगा कि इन फ्यूचर जब भी हम कोई यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका मैसेज आपको सबसे पहले मिल सकेगा और आप उन वीडियोज़ को देख सकेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह के अपडेट्स जो हैं कोशिश रहती है कि अपने यूट्यूब चैनल पे अपडेट करते रहें, जैसे PhD से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन होती है, एडमिशन से रिलेटेड जो है, या फिर PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें, या फिर नेट सेट स्लेट वगैरह की प्रिपरेशन कैसे करें, या उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है, तो कोशिश करते हैं कि अपने यूट्यूब चैनल पर अपडेट करें। तो दोस्तों इस तरह के अपडेट से अपडेट रहने के लिए चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों नेट सेट स्लेट या फिर PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, जैसे कि यदि आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर सेट या स्लेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो दोस्तों उन उनसे रिलेटेड जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियोस अवेलेबल हैं उन वीडियोज़ के लिंक कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दें, जिससे कि आप इजीली उन वीडियोज़ को वॉच कर सकें, क्योंकि आप यदि प्रिपरेशन कर रहे हो तो काफ़ी आपके लिए वो हेल्पफुल हो सकती हैं वीडियो जो है। और दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बता देते हैं कि अभी रिसेंट में जो है कुछ अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा जो PhD एप्लीकेशन फॉर्म निकाले गए हैं, तो दोस्तों उन यूनिवर्सिटीज़ के PhD एप्लीकेशन फॉर्म के डिटेल के बारे में भी जो है मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं और चैनल पे जो है अपडेट हैं। दोस्तों उन वीडियोस को जो है चाहे तो आप दे सकते हैं हमारे चैनल के होम पेज से जा करके, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे किसी अदर इन्फॉर्मेशन के साथ। दोस्तों इतना पेशेंस के साथ जो आज का वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।